नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्योतिष विभव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो उपाय है, अगर आप किसी का कर्ज चुकाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा दिन सही होता है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूले, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों, ये जो चैनल है ज्योतिष की जानकारी देने के लिए बनाया है, जिसमें मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, कुंडली शास्त्र और न्यूमरोलॉजी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़े जो उपाय रहते हैं, जो टोटके रहते हैं, बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन देने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपका प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। दोस्तों, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने का प्रयास जरूर मैं करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं तो उसको कब चुकाना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेता है आदमी लेकिन चुका नहीं पाता और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप सही दिन कर्ज चुकाते हैं तो फिर आपको बार बार कर्जा लेने की जरूरत नहीं गिरेंगी, आप कर्जे के फेरे में अटकेंगे नहीं दोस्तों, उससे आपकी मुक्तता हो जाएंगी और कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए आज का ये उपाय है। तो दोस्तों, कर्ज चुकाने का सही दिन कौन सा है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार चुकाना ठीक होता है। दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आप किसी का कर्ज लेते हैं दूसरे का, और जो चुकाने का दिन हो शनिवार के दिन अगर चुकाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दिन कर्ज देने से दोबारा कर्ज लेने की स्थिति नहीं आती है, लेकिन इस दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन कर्ज लेने से विलंब से चुकता होता है दोस्तों, और कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कर्ज चुकाने के लिए शनिवार का दिन बेहतर दिन है दोस्तों। ऐसे ही आने वाले बहुत से उपाय टोटके मैं आपको बताते जाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।